हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2126 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स। कांट फॉरगेट टू थैंक फोर सीजन्स वन ऑफ द बेस्ट होम फर्निशिंग स्टोर्स इन धर्मपेट नियर ट्रैफिक पार्क। वी ग्लो विद वसुधा अग्रवाल एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स इन नागपुर फॉर हॉस्पिटल्स फॉर होटल्स इज वी हर्ब्स। मेरी आज की जो मेहमान है शी इज फ्रॉम चंद्रपुर। चंद्रपुर से वो नागपुर आई हैं सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए और अपनी जर्नी आपके साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त हैं चेतना राज। चेतना मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम कैसी हैं आप? एकदम परफेक्ट, बढ़िया। मैम आपका जो काम है वो टिफिन्स का काम है? हाँ। टिफिन्स का काम, और कब से कर रही हैं आप ये? ढाई साल से। ढाई तीन साल से कर रही हैं? हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा चंद्रपुर जीएमसी मेडिकल कॉलेज में मेरे जाते हैं, ज्यादातर बच्चे मुंबई पुणे वहाँ से आते हैं, तो उन लोगों को ऐसे सिचुएशन थी, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, मुझे ये बिजनेस शुरू करा और उन लोगों को वहाँ से बच्चे आते थे गुजराती समाज के, मारवाड़ी समाज के, तो उनको खाने में दिक्कत आती थी, तो उस तरीके से स्टार्ट मैंने शुरुआत वहाँ से की है जीएमसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों से। और आज ऐसा समय है कि वहाँ से मुंबई से बच्चों के कॉल आते हैं, उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं और सब वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और मेरा टिफिन पसंद करते हैं। अरे वाह। मैम आपने जब ये काम शुरू किया था तब कोई वजह रही होगी? हाँ, फाइनेंशियली बिजनेस में लॉसेस हस्बैंड को, तो इस तरीके से जैसे कोयले का बिजनेस था तो चंद्रपुर का कोयला खत्म हो गया जी। और मुंबई में ट्रांसफर होता था कोयला जी। तो वहाँ के ईंट भट्टे बंद हो गए, जैसे ईंटें बंद हो गई, ब्लॉक शुरू हो गए, तो वहाँ पे कोयला सप्लाई बंद हो गई जी। तो जिनको सप्लाई होता था तो कैसे कैश पेमेंट नहीं होता था कोयले का, वो एक एक गाड़ी देते हैं, जैसे एक गाड़ी 10 लाख की 15 लाख की होती है जी। तो वो सारे हमारा करोड़ों से समझो पूरा उधारी यानी कि पूरा ब्लॉक हो गए। वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा भी ईंट भट्टा बंद हो गया, कोयला ही बंद हो गया, तो हम भी कहाँ से दें। तो वो पैसे गए? गए हाँ, यानी कि जो भी मेरे हस्बैंड की जमा पूंजी थी, जो भी था समझो पूरा चला गया। आपने कभी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया? नहीं, वैसे कुछ नहीं। तो वो मुंबई में ईंट भट्टे वाले ऐसे होते कि आपको जो करना है करो, कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ, जिसको बोलना है, फिर वो लोग तो गुंडागर्दी पे आ जाते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो। दुख की बात है। हाँ, भारत जैसे देश में ये हो रहा है। हाँ, हो रहा है। और मेरे बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, 6 साल हो गए, उनका भी एंजियोप्लास्ट हुआ है, तो उनको भी ज्यादा टेंशन नहीं दे सकते है। काफी छोटी एज में उनका भी सारी इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस है, ये लॉसेस है, बच्चे छोटे है। आपके तो बच्चे जब आपको इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं क्या कहते हैं? बच्चे काफी समझदार है, क्योंकि बच्चे जब थे शुरुआत उनकी बचपन से थी तो काफी अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन बच्चों ने कभी वो कंप्लेंट नहीं किया कि मम्मा तब इतना मुंह मांगी चीज मिल जाती थी, कितने भी 500 का खिलौना 1000 का खिलौना तो उनको मिल जाता, पर अब ऐसा है कि 10 रुपीज के बलून भी रहना है तो नहीं बच्चों को बोलना पड़ता है नहीं, क्योंकि अब हम रेंट हाउस हमारा रेंट पे है, बच्चों का एजुकेशन है, तो 10 रुपए का अभी आइसक्रीम भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चों के एजुकेशन है, तो वो भी समझ जाते हैं कि नहीं मम्मा, कभी बोलते ही नहीं है, बच्चे काफी समझदार है। मैम अब ये काम जो आप कर रही हैं इसमें ऑर्डर्स कैसे लेती हैं आप? मेरा ऑर्डर्स तो माउथ से ही है, जैसे माउथ टू माउथ हो रहा है बच्चों से, और उसके अलावा भी समाज में, फिर जैसे अब मैंने जीएमसी मेडिकल कॉलेज के तो वो टिफिन सर्विस है, फिर सबको पसंद आने लगा, तो जैसे थेपले के ऑर्डर है, उसके अलावा फिर सूखा नाश्ता दिवाली का, चाकोली है, चोरा फली है, चूड़ा है, वो सारे भी मुझ में गट्स थे, तो मैं वो टेस्टिंग के लिए सबको देती गई, तो वो सबको पसंद आने लगा। तो अब ऐसा है कि मैं हर ग्रुप में मेरा मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, तो काफी लोग, तो भी मैं कभी स्टेटस पे कि ज्यादा उतना नहीं करती हूँ, तो भी लोगों को पसंद आता है, सबको एक दूसरे को, और काफी सपोर्ट मिला सबका, और बिजनेस आके आज इस सिचुएशन पे है कि घर से कभी कभी 25 टिफिन 30 टिफिन या फिर कभी किसी की किटी पार्टी से कुछ है, वैसे 30 लोगों का 35 लोगों का ऑर्डर लेना, कुछ लेना,
तो अब ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा बड़ा करे, तो फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कहीं शॉप लेके। तो मेस का वैसे जैसे पूरे चंद्रपुर में कहीं पे भी अनलिमिटेड खाना, जैसे यहाँ पे नागपुर में गायत्री भोजनालय है, सारे फेमस है, तो वैसा कुछ भी किसी को गुजराती मारवाड़ी नहीं मिल रहा है टेस्ट, सभी को वही महाराष्ट्रियन टेस्ट, तो सब लोगों को नहीं पसंद आता। तो मेरी इच्छा है कुछ बड़े इस पे आगे निकल के करे, पर वहाँ पे दिक्कत आती है, एक दो शॉप देखी तो डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा है, और हेल्प के लिए कोई दो तीन जगह मांग की थी, समाज वालों की शॉप थी तो उनको बोला थोड़ा कम करो रेंट, चलो मंथली रेंट 12,000-13,000 वो मैं निकाल लूंगी, पर उतना डिपॉजिट अमाउंट पॉसिबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोई हेल्प भी ऐसे नहीं मिल रही। तो यहाँ पे हेमाबेन राजा ने काफी सहायता की है, उन्होंने यहाँ पे बुलाया, ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी दी है, और एक उम्मीद जागी है कि कहीं से हेल्प मिलेगी, वो भी बोले हमसे जितना बन पाएगा हम ट्राई करेंगे। मैं भी अपना 100% दे रही हूँ बिजनेस में, ऐसा नहीं कि अपन पैसे ले रहे, ऑर्डर ले रहे और लापरवाही कर रहे हैं। कभी अब तक टूटी है? नहीं, मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, हारने वालों में से नहीं हूँ। प्रार्थना करती है? हाँ, ईश्वर को प्रार्थना करती है। हाँ, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आज जो भी मेरे काम हो रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, नहीं तो आज जीरो अमाउंट से मैं रेंट वाले हाउस पे आई थी, बच्चों की ईयरली फीस स्कूल की, एक की 40,000, एक की 35, यानी समझो ईयरली 1.5 लाख वो खर्चा, तो सारे भगवान भरोसे ही निकल रहे। मेरे हस्बैंड की मंथली मेडिसिन 5,000 की, फिर हम एक टाइम खाए या ना खाए, पर उनकी मेडिसिन तो लेनी लेनी है 5,000 की जी, तो सारे निकल रहे, तो भगवान ही निकाल रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपना 100%, बाकी कोई अनजान शक्ति है जो इतना कर रहा है। जैसे मेरे पास कोई वर्कर भी नहीं था, अगर आज 30 टिफिन है, 200-250-300 रोटियां करनी है, इतनी सब्जी खुद को काटना है करना है, और हस्बैंड हेल्पिंग है हर चीजों में, रोटी बेलने से लेके सब्जी का बर्तन धोने से भी, हर चीज में वो कभी पीछे नहीं हटते जी, सपोर्टिंग है, इसीलिए अनजान शक्ति तो है। जब काम शुरू करती हूँ तो कभी रोना आता है कि इतना काम कंप्लीट कैसे होता है, पर जब कंप्लीट ऑर्डर हो जाता है तो नहीं, शायद है कोई अनजान शक्ति पीछे। मैम, कभी मन में वो लोगों के लिए आता है जिन्होंने आपका पैसा हड़प लिया? नहीं, शायद वो मेरे किस्मत का नहीं था, क्योंकि जो अपना होता है कहीं जाता ही नहीं है। आपने माना? हाँ। या आपने अपने आप को कन्विंस किया? नहीं, मैं इन चीजों को मानती हूँ, मेरे नसीब में या किस्मत में शायद मेहनत है, और मेरे मेहनत से हम दोनों को आगे बढ़ना है, दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही घर चला रही हूँ, ये भी मेरे में नहीं है, वो सपोर्ट करते हैं, आज जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ वो घर संभाल रहे, टिफिन का संभाल रहे, तभी मैं यहाँ पर आ पाई हूँ, तो अकेले से करना भी पॉसिबल नहीं था, दोनों ये बिजनेस भी आगे ही जाएगा। चंद्रपुर वालों से क्या कहना है, क्यों आपसे खाना ऑर्डर करें? टेस्ट टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छे हैं। हाँ, और टिफिन पहुंचा के मिलता है? हाँ, जैसे जीएमसी मेडिकल कॉलेज में मैं पहुंचाती हूँ, लेकिन अब हर जगह नहीं पहुंचाती, जैसे घर के, अभी आज भी जैसे घर के लेने आए थे तो वो लोग लेकर भी जाते हैं, लेकर भी जाते हैं, दोनों टाइम। मेरे हस्बैंड जॉब भी कर रहे हैं साइड में, वो जॉब पे जाते हैं, तो फिर घर पे, फिर मेरे पास गाड़ी एक ही टू व्हीलर है, तो फिर देने का इसलिए मैं पॉसिबल नहीं करती हूँ कि कैसे जाऊंगी मैं। तो फिर जब ऑर्डर आ जाते हैं, जब हस्बैंड काम पे जा रहे हैं और ऑर्डर भी आया, तो फिर कैसे अकेले ही मैनेज करना है? जैसे आज यहाँ पे आना तो सुबह 3:30 बजे उठो, सब मैनेज करो, फिर आओ, तो वो पूरी रात जागो, कैसे भी करो, पर करना ही है। मैम, आपकी जो जर्नी है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा एक गाथा है पूरी। हाँ, जहाँ पर स्ट्रगल है, जहाँ पर दुख है। हाँ। जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति है मैम। आप बहुत शक्तिशाली महिला है। हाँ। आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुर्गा का प्रतीक इसीलिए शायद है, क्योंकि शायद वो महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए है कि आप भी वैसे बन सकती हैं, आप में बस उतनी शक्ति होनी चाहिए। और मैं तारीफ करूंगा मैम आपके हस्बैंड की भी, कि वो इतना बड़ा होने के इतना बहुत कुछ होने के बाद भी, और आपकी भी और आपके बच्चों की भी, कि वो इतना कुछ होने के बाद भी आज बच्चे भी सपोर्टिंग है। जैसे मैं वो चकली वगैरह छोला फरी बेलने बैठती हूँ, तो मेरी 3rd स्टैंडर्ड में गुड़िया है, वो भी बेलने बैठ जाती है, और वो गर्मी में जब किचन में बैठते हैं तो मुझे रोना आता है कि
पर मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी मजबूरी इसलिए करवाना ही पड़ रहा, ऑप्शन ही नहीं। जैसे कल मुझे यहाँ आज यहाँ पे आना था तो 5 kg का ऑर्डर कम्प्लीट, तो चारों ने मिलकर किए तभी कम्प्लीट है, तो अकेले से तो पॉसिबल ही नहीं था। बच्चे भी पूरी हेल्प कर रहे हैं, जैसे अभी समर सीजन है चिप्स का वगैरह, वो तो चिप्स में मैं करूंगी, बॉईल करूंगी तो बच्चे सुखाएंगे तभी पॉसिबल हो पाता है, लेकिन बच्चों का भी पूरा सपोर्ट है मेरा। कभी सोचा चंद्रपुर छोड़ के नागपुर आ जाऊं? नहीं सर, नहीं सोचा है, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा है और वो भी सपोर्टिंग है। अच्छा। जैसे अभी यहाँ पर भी आई हूँ तो 4 बार मेरे फ्रेंड्स के, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के फोन आ गए, भाभी गाड़ी मिल गई, भाभी यहाँ पे, यहाँ से बस पकड़ना, वहाँ से बस पकड़ना, सारी चीजें कन्वीनियंट, वो लोग भी सपोर्टिंग है। मैम वो कहते हैं ना कि जब दरवाजा बंद होता है तब खिड़कियाँ खुल जाती हैं। हाँ, वैसा ही है। और वाकई में आपकी जर्नी जो है वो तारीफ के काबिल है और आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहे। हाँ, आपको जो जगह चाहिए वो जगह आपको मिल जाए, सरस्वती से प्रार्थना है मेरी। हाँ। अगर वो मेरी बात सुनती हैं तो वो आज आपकी इच्छा पूरी करें, आपको एक जगह मिले, आपके पसंद की जगह मिले और आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें। हाँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर चेतना राज मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। जब तक सिंहासन पे बैठे थे तब तक राजा थे, है ना? जब तक सिंहासन पे बैठे थे तब तक राजा थे, जब जंगल में गए तो राम बन गए। हकीकत जो है वो यही है। आप से एक निवेदन है मेरा, चंद्रपुर में देखने वाली जितने भी लोग हैं, आपसे एक निवेदन है। मुझे नहीं पता कि आप अपने लंच और डिनर के लिए क्या करते हैं, पर जिस दिन आपके पास ये ऑप्शन रहे लंच और डिनर बाहर से मंगवाने का, तो आप चेतना राज मैम को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे अपना टिफ़िन ज़रूर मंगवाइएगा। आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि इनका बना हुआ जो हाथ का खाना है ना, उसमें इनकी आत्मा बसती है, जो बहुत प्योर है, जो समर्पित है उस हर बनाई हुई आलू गोभी के पीछे, उस दाल के पीछे, उस रोटियों के पीछे, चावल के पीछे इनका समर्पण है। और दुर्भाग्य की बात पता है क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर सरकार से एक उम्मीद है, प्रशासन से एक उम्मीद है कि वो ये जो गुंडागर्दी चलती है ना, इसके खिलाफ कुछ करें। कोई कैसे ये कह सकता है कि आप जो बनता है कर लो? कैसे बोल सकता है? क्या हमारे कोर्ट्स मर चुके हैं? क्या हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जो कार्यरत हैं वो सक्षम नहीं? क्या हमारे नेता जो हैं वो कुछ काम के नहीं? कैसे कोई ऐसा बोल सकता है? और जब हम पलट के देखते हैं तो इस गुंडागर्दी के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। कैसे करेंगे? क्या यही है भारत का आने वाला वक्त? क्या यही है भारत का फ्यूचर? दुर्भाग्य की बात जो है वो यही है कि हमारे देश में न्याय, न्याय की प्रक्रिया ढकोसली है। आप उससे पूछिए जिसका जीवन बदल जाता है, जिसको कोई ये कहता है कि मैं देखो नहीं देता तेरे पैसे, इससे जो बनता कर ले, वो कहाँ जाए? कोर्ट में जाए जहाँ करोड़ों केसेस पेंडिंग है, पुलिस के पास जाए जहाँ पर पता नहीं कब उन्हें न्याय मिलेगा, नेता के पास जाए, किसके पास जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भी अब भारत की तरफ देखना बंद कर दिया है और अब वो उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा है जिन्हें शक्ति की ज़रूरत है। वो चेतना राज की तरफ देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहा है। और एक दिन जब उनका बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा, वो अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, तब शायद ये जो कोशिश है राज की बात की वो पूरी होगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा वक्त दें और बुरे लोगों का चुनाव न करें। वो कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो चोर है तो वो है और उसे वोट नहीं देना है। जिंदा रहें। जय हिंद। जय।